नमस्कार दोस्तों, SSC ने CHSL के लिए कुछ रीजन के एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिए हैं। अब बाकी रीजन के कब जारी होंगे, इसके साथ ही CHSL के एडमिट कार्ड स्टेटस कैसे देख सकते हैं, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कब से डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ हम बताएंगे। इससे पहले आपको बता दे, सरकारी रिजल्ट एग्जाम देता है यूट्यूब पर सबसे तेज और सबसे सटीक सभी सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट, इसलिए सरकारी रिजल्ट एग्जाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको मिल सके कोई भी अपडेट सिर्फ कुछ सेकंड में। दोस्तों आपको ज्ञात हो, कुछ दिन पहले SSC ने एक नोटिस जारी करके CHSL की एग्जाम डेट 9 मार्च से 21 मार्च तक बताई थी। अब SSC ने कुछ रीजन के एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि SSC CHSL के लिए बाकी रीजन के स्टेटस 28 फरवरी से पहले जारी कर देगा, क्योंकि SSC CHSL के एडमिट कार्ड स्टेटस 28 फरवरी को जारी होंगे, जिसे आप 4 मार्च से डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड स्टेटस देखने के लिए और डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है, जहां पर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप अपने अपने रीजन वाइज सामने क्लिक करना है, जहां पर कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यह पेज रीजन वाइज कुछ अलग प्रकार से भी दिख सकता है। यहां पर आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है, जहां पर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपनी अपनी डिटेल्स लगाकर एडमिट कार्ड स्टेटस देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। आपको बता दे, एडमिट कार्ड स्टेटस 28 फरवरी से देख सकते हो और एडमिट कार्ड 4 मार्च से डाउनलोड कर सकते हो। आपको बता दे, एडमिट कार्ड जारी होने के 40 सेकंड में ही आपको कम्युनिटी पोस्ट पर सूचना मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूले।